आदाब अर्ज़ दोस्तों, ये आज एक कमेंट आया है एक भाई असलम शेख 8081। तो ये असलम शेख मैं नहीं हूँ, ये और कोई असलम शेख है। तो इन्होंने लिखा है कि आंध्र पेपर लिमिटेड के बारे में एक वीडियो बनाए। तो चले आंध्र पेपर लिमिटेड के बारे में कुछ बातें बता ही देते। हालांकि ये मेरा फेवरेट स्टॉक है जो लिखा हुआ है। आप सबसे पहले ये जान ले कि इस कंपनी में मेरी खुद की होल्डिंग है। ये रही मेरी होल्डिंग, सही है। इसको मैंने बाय किया हुआ है 487 में, और ये मेरे पास 14 तो 30 नंग है, और ये 26-3 को मैंने बाय किया हुआ था। ये पाउज करके आप देख सकते हैं, सही है। तो चले इसको ख़त्म करते हैं। ये बात ज़रा नोट कर लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा कि मेरा खुद का इसमें इन्वेस्टमेंट है। चले आंध्र पेपर लिमिटेड, तो आंध्र पेपर लिमिटेड ये जो कंपनी है, ये मेरा पर्टिकुलर ने ये मानना है कि ये सिर्फ पेपर नहीं छापती या बनाती या प्रोडक्ट करती, बल्कि ये पैसे छाप रही है। वो कैसे, तो बात को समझे कि सबसे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में देखने जाएंगे तो चार्ट एनालिसिस आएगा। चार्ट एनालिसिस से अगर एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो फंडामेंटल एनालिसिस आएगा, जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और क्वार्टरली स्टेटमेंट ये सब चेक करना होता है। और उससे भी एक स्टेप अगर हम प्लस चले जाते हैं तो हमें रेशियो एनालिसिस सीखने के लिए मिलती है। और ये रेशियो एनालिसिस जो है, ये यही है, हर एक चीज़ का रेशियो है कि प्राइस जो है, सही है, ये कंपेरेटिव टू अर्निंग क्या चल रही है, यानी पीई क्या चल रहा है, बुक वैल्यू क्या चल रही है। तो ये सारी चीज़ें ये जो होती है, ये थर्ड लेवल एनालिसिस होता है, और इसको हम रेशियो एनालिसिस कहते हैं। चले अभी आंध्र पेपर की प्राइस चल रही है 514 रुपये। तो 514 रुपये में ये कंपनी सस्ती है या महंगी पर शेयर, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे इवोल्यूलेट करेंगे, ये वाली बात है, सही है। तो आप ये समझे कि अर्निंग पर शेयर जो है, ये हमें ग्रोथ दिखाता है, ये हमें तरक्की दिखाता है, और इसी से हम सारी गणनाएं लगाएंगे कि कंपनी में कितना दम है और कंपनी कितने पैसे छापती है या कितने पैसे कमाती है, सही है। तो पीई सबसे पहले हम देखेंगे, पीई पीई यानी प्राइस टू अर्निंग, यानी जिस हिसाब से प्राइस चल रही है उस हिसाब से अर्निंग क्या है। तो अर्निंग 5 पीई जो है ये 5 गुना है। 5 गुना का इसका दूसरा भी मतलब होता है कि 5 साल में आपके जो लगाए हुए पैसे है 514 रुपये, सही है, हर साल ये 114 रुपये कमाती है। इस हिसाब से 5 सालों में ये जो है आपके पूरा जो इक्विटी जो आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है वो वापस रिटर्न हो सकता है, समथिंग समथिंग इसी तरीके से अपने गिन सकते हैं नॉर्मली तरीके से अगर देखने जाएंगे। तो याद रखें, सबसे ज्यादा पैसे पीई एक्सपेंशन में बनते हैं और सबसे ज्यादा पैसे पीई कंप्रेशन में जाते हैं। अगर ये 40 का पीई होगा तो हम इस कंपनी को सेल करेंगे, अगर 4 या 5 का पीई होगा, 3-2 का पीई होगा, तो हम इस कंपनी को बाय करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस का बेस है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कृपया अब बाय या सेल करने से पहले अपने इन्वेस्टर एडवाइजर जो है उसकी जरूर राय ले। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सिर्फ फन के लिए है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, और ये सिर्फ सीखने सिखाने के लिए है कि हम किस तरीके से स्टॉक को बाय या सेल या कुछ भी कर सकते हैं। चले सबसे पहले इसका पीई है 5 का, तो 5.5-6 हज़ार कंपनियां जो है बीएससी एनएससी की मिलाकर, उसमें से कम 5 कंपनी भी ऐसी नहीं होगी जिसका 5 का पीई चल रहा होगा। तो इस हिसाब से देखने जाए तो 5 के पीई पर यह कंपनी सस्ती कहलाएगी। आगे देखते हैं किस तरीके से सस्ती कहलाएगी, सही है। सबसे पहले हम गूगल साहब से पूछ लेते हैं कि कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही, सही है, तो आप डायरेक्ट गूगल करें, गूगल में आप सर्च कर ले व्हाट इज गुड पीई रेशियो, सही है, पाउज करके ये पढ़ लीजिएगा, सही है। ये कह रहा है कि बिलो बिलो 20 जो है ये गुड पीई है, सही है। अब अपने एक और सवाल कर लेते हैं, व्हाट इज गुड आरओई, आरओई, सॉरी हूं, आरओई, व्हाट इज गुड आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये क्या कह रहे हैं कि बिटवीन 15 से 20, सही है। ये पाउज करके आप ये इसको पढ़ लीजिएगा, 15 से 20 जो है ये अच्छा आरओई माना जाएगा, सही है। इसके अलावा अपने गूगल साहब से पूछते हैं कि
वॉट इज गुड आर ओ सी ई, सही है। तो ये देखिए 20 एटलीस्ट 20 का आर ओ सी ई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये अच्छा है, सही है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि आर ओ सी कैसे कैलकुलेट करें, ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, अर्निंग पर शेयर, सही है। तो ये सारी चीजें आप गूगल से पूछ ले, आपको आराम से पता चल जाएगी। मगर यहाँ एक बढ़िया बात है, हम ये देख लेते हैं वॉट इज गुड आर ओ ए, सही है। तो आर ओ ए यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये क्या कह रहा है 5%। एक्सीलेंट क्या है 20%, पाउज करके आप देख लीजिएगा जरा, सही है। और अगर इससे बेटर आपको समझना है ये कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, तो जब मैं लाइव आ जाऊं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब इसलिए नहीं कह रहा हूं ताकि सभी लोग कहते, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो लाइव आपको दिख जाएगा, जब भी मैं लाइव होगा आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम पूरा डेडिकेटेड आधा घंटा घंटा आरओई आरओए आरओसीई ईपीएस पीई इस पर हम चर्चा कर लेंगे, जब तक आपको समझ में ना आए, या अगर आप समझे हुए तो फिर हमें समझा दीजिएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या है क्या नहीं है, सही है। तो चले अब ये गूगल साहब को बंद कर देते हैं और अपने आ जाते हैं यहाँ पर। हमने देखा कि रिटर्न ऑन एसेट 5 का भी हो तो अच्छा है, तो आंध्र पेपर में ये नोट करने वाली बात है कि रिटर्न ऑन एसेट 30 का है। अगर 20 का आर ओ ए है यानी रिटर्न ऑन एसेट, तो ये एक्सीलेंट माना जाएगा एज पर गूगल, एज पर फंडामेंटल एनालिसिस, एज पर रेशियो एनालिसिस, सही है। तो ये 30 का है तो बहुत ही बढ़िया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30 का है, यानी आप समझिए कि अगर 100 रुपये की कंपनी सेल्स करती है, सही है, तो उस ऑपरेटिंग में ये 30% का मुनाफा कमाती है। आरओई 40 का है, अगर 100 रुपये की चीज को ये सेल कर रही है तो उसमें से 40 रुपये 40 रुपीज का ये मुनाफा करती है। आरओसीई 52 है, यानी ये 52 का आरओसीई और आरओई 40 का, ये आपको तकरीबन बहुत सारी कंपनियों में देखने के लिए नहीं मिलेगा। आरओसीई इसलिए ज्यादा है क्योंकि कंपनी पर डेब्ट यानी कर्जा नहीं है, कंपनी के कमाए हुए रिजर्व्स जो पैसे है वो 1718 करोड़ है, यानी इतने पैसे ये अभी तक कमा चुकी है और उसके ऊपर सिर्फ 1404 करोड़ का डेब्ट है। इस हिसाब से अगर देखने जाए तो 0.01% ही सिर्फ डेब्ट है, सही। प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल पावरफुल है, 72.3% अगर 50% के ऊपर है तो ये बिल्कुल जेन्युइन माना जाएगा, और प्लेजिंग परसेंटेज नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्लेजिंग परसेंटेज नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर इसको ये कहेंगे कि जो भी रॉ मटेरियल है फिनिश गुड प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसका टर्नओवर पर ईयर कितना है, तो ये 6 टाइम है, सही है। तो ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा। कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, अगर डिविडेंड ना भी देती होती तो भी इसको अच्छा माना जाता, मगर तो भी 2.5% जितना यील्ड दे रही है डिविडेंड का, डिविडेंड परसेंटेज नहीं मगर डिविडेंड यील्ड जो है ये 100 के ऊपर मापा जाएगा। अगर 100 रुपये इन्वेस्टेड है तो हमें 2.5 रुपये मिल रहे हैं, इसको यील्ड कहेंगे। फेस वैल्यू 10 की है, इसका मतलब ये है कि कंपनी में कभी भी बोनस और स्प्लिट आ सकता है। चले बुक वैल्यू है 442 रुपये, और अगर प्राइस को देखा जाए 514 रुपये, तो ये देखें कि ये 1.16%, यानी मेरी लैंग्वेज में अगर आप ये कहोगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कंपनी मैंने 514 रुपये में शेयर बाय किया, बल्कि मैं ये कहूंगा मैंने 1.16 रुपये में ये शेयर बाय किया। इस चीज को समझने के लिए जब भी मैं लाइव आऊ तब आप मुझे ये इस चीज का आप क्वेश्चन कर लेना और मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों ये 1.16 रुपये में बाय किया हुआ है। समझे कि प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 0.40 है तो मैं ये कहूंगा कि 40 पैसे में मैंने बाय किया हुआ है, सही है। ये प्राइस का कोई मेरे सामने प्राइस का इस हिसाब से कोई मतलब नहीं बनता, मगर प्राइस ये चल रही है। चले सबसे बढ़िया बात ये है कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ये अगर बेंजामिन ग्राहम की इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आप सही से समझ जाएंगे कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से कोई चीज हमें कम में मिल रही है, सही है, तो ये हमारे लिए फायदा है। जितना भी कम में मिले हमें खरीदना चाहिए, और जब ये इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर चला जाए, सही है, तो हमें सबसे ज्यादा मुनाफा होगा, 9 गुना 10 गुना या 5 गुना या फिर 6 गुना, डिपेंड करता है कि आपने कितने सस्ते में खरीदा है, सही है।
ये हो गया इंटरिंसिक वैल्यू। तो इंटरिंसिक वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है, हाई है, यानी ये जो 514 का प्राइस है तकरीबन तकरीबन अगर मार्केट चलेगा 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 तो ये 1800 के पार पहुंच जाएगा। इसको समझने के लिए अभी हम चार्ट पे आएंगे, सही है। चले ये देख ले, ये कंपनी की वेबसाइट है, सही है। ये आंध्र पेपर क्या करती है क्या नहीं करती है, तो ये सारा ये कंपनी की वेबसाइट है, आप इसको जाके चेक कर लीजिएगा। ये पेपर बनाती है और कौन से प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे डिलीवर करती है, क्या करती है, सही है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंपनी की वेबसाइट से मिल जाएगा। कंपनी जेन्यूइन है, बहुत ही अच्छी है। और अब हम चलते हैं इसके चार्ट पे, ठीक। चार्ट पे हम मैक्सिमम कर लेते हैं। ये आप देख लीजिए कि ये कंपनी 134 रुपये में थी अप्रैल 20, 3 अप्रैल 2020 को, और वहां से ये हो गई है इतनी ज्यादा, सही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्यों अब ये 136 रुपये में मिल जाएगी, ये नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, इसके कई सारे रीजन है। इसके कई सारे रीजन क्या है, क्योंकि कंपनी की बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है। बुक वैल्यू किसके कहेंगे, ये है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यानी कंपनी की बुक पर जो वैल्यू है, सही है। बुक वैल्यू ये समझिए कि 10 साल पहले आप किसी ने घर खरीदा था तो वो 1 लाख रुपए का था, आज 10 लाख रुपए का है, तो इंटरिंसिक वैल्यू 10 लाख रुपए हो गई और बुक वैल्यू 1 लाख रुपए हो गई। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चले चार्ट पे वापस चलते हैं। अच्छा, जब मैंने अप्रैल के प्राइस दिखाई, ये प्राइस टू बुक वैल्यू का चार्ट है, सही है, उस वक्त ये अप्रैल मार्च में 0.7 की बुक वैल्यू पे मिल रही थी, सही है। और वहां से चलते 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 ये 1.1 की बुक वैल्यू तक पहुंची। अभी ये कंपनी 1.2 की बुक वैल्यू पे मिल रही है, और अगर देखने जाएंगे हम तो ये 3.1 की 8 की बुक वैल्यू तक जा सकती है, यानी 4 की बुक वैल्यू तक जा सकती है। तो समझिए कि बुक वैल्यू अभी कितनी है, 442 into 4, सही है। तो ये हो गया इसका तकरीबन तकरीबन प्राइस कि ये यहां तक जाएगी एज पर बुक वैल्यू। चले अब पीई से देख लेते हैं, पीई क्या कहना चाहता है। तो ये हायर पीई है इसका 78 का पीई, यानी कंपनी जब महंगे से महंगे से महंगी हो जाएगी तब ये 80 के पीई पर बिकेगी, सही है। तो अभी कितना पीई चल रहा है, तो अभी पीई चल रहा है 5 का, सही है। और अगर 5 का पीई चल रहा है, समझे सपोज के 5 का पीई चल रहा है और अर्निंग पर शेयर जो है, सही है, ये है 114 रुपये, और 114 का अगर हमें अर्निंग पर शेयर उस वक्त भी मिलता है, सही है, तो ये समझिए कि 80 के पीई पर अगर ये कंपनी जाएगी और 114 का पीई, सही है, तो ये हो गया इसका सॉलिडरी भाव, यानी कि 9000 रुपये तक जाने की इसकी गुंजाइश हो सकती है, जबकि मार्केट भी चलना चाहिए या फिर शेयर्स में बहुत ज्यादा तेजी होनी चाहिए, लोग धड़ल्ले से बाय करते करते रहेंगे, तो ये शेयर की कैपेसिटी है कि ये 80 के पीई पर भी बिक सकता है। इसको कहते हैं पीई एक्सपेंशन। देखिए, पीई चाहे 10 गुना बढ़ जाए, सही है, मगर प्राइस जो है ये 14 टाइम तक हो सकती है, क्योंकि पीई जैसे जैसे अर्निंग पर शेयर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पीई कंप्रेस होता जाएगा। ये बहुत बहुत लंबी स्टोरी, अगर आपको इसको समझना है तो आप थॉटफुल इन्वेस्टर पढ़े बसंत मही की महेश्वरी की लिखी हुई, आपको इसमें बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी, सही है। तो ये आपको छोटा मोटा अंदाजा हो गया कि कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, सही है। डॉक्यूमेंट में देखिए, देख लीजिए रेटिंग एजेंसी, सही है, रेटिंग एजेंसी का जब तक खुल रहा है वहां तक हम दूसरा कुछ देख लेते हैं। अच्छा, ये रेटिंग एजेंसी ए स्टेबल A1+, यानी रेटिंग एजेंसी ने भी इसे बहुत ही अच्छा बताया हुआ है। चले जी, और कुछ बातें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, चले बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर बोरोइंग देखिए, देखिए 2011 में इस कंपनी के पास 478 रुपये का कर्जा था, बोरोइंग थी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आप जो भी गिन ले, सही है। तो उसको घटाते 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 आज सिर्फ 14 करोड़, सही है। तो 14 करोड़ की सिर्फ बोरोइंग रह गई है, और रिजर्व देखिए 441 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 1718 करोड़ हो चुके हैं, यानी कंपनी कांस्टेंट ग्रोइंग कंपनी है, कांस्टेंट ग्रो कर रही है, ये एक बात हो गई। चले क्वार्टरली रिजल्ट में भी कई सारी चीजें जो हमें देखनी चाहिए, सबसे अच्छी बात हमें ये देखनी चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, सही है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो और कंपनी अगर इंटरेस्ट कम चुका रही है, जैसे कि अभी सिर्फ 1 करोड़ का इंटरेस्ट चुका रही है,
सही है। जब ये कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट में देखते हैं, बैलेंस शीट में जब 2011 में 478 करोड़ का इसके ऊपर बोरोविंग था, तब ये 2011 में 36 करोड़ तो सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रही थी, यानी उसके कमाए हुए पैसों में से 36 करोड़ का इंटरेस्ट जाता था। अभी जो कमा रही है पैसे, जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट 624 करोड़ है, तो इसमें से सिर्फ 4-7 करोड़ ही इंटरेस्ट जा रहा है ईयरली। सही है, पहले क्या होता था, 67 करोड़ कमाती थी, 67 करोड़ और 36 करोड़ तो ये सिर्फ इंटरेस्ट में ही पे कर देती थी। तो जब तक कंपनी ज्यादा बोरोइंग नहीं करती है तब तक ये अच्छी है। चले इन्वेस्टर देख लेते हैं, प्रमोटर जो होल्डिंग है ये 72% है और ये बहुत ही बढ़िया है। और प्रमोटर जो है ये देखने वाली बात है, वेस्ट कॉस्ट पेपर मिल, ये रही वेस्ट कॉस्ट पेपर मिल, वेस्ट कॉस्ट पेपर मिल ये भी पैसे छापने वाली कंपनी है, ये भी पेपर ही छापती है, ये इसकी पेरेंट कंपनी है, इसका भी 5 का PE चल रहा है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देखोगे तो 2663 रुपये, ये कभी भी 2663 को टच कर सकती है। इसके अलावा अगर देखने जाए तो हाई बुक वैल्यू है, हाई डिविडेंड यील्ड है, हाँ फेस वैल्यू इसकी आंध्र की जितनी नहीं है। तो ये आंध्र की पेरेंट कंपनी है, इसको जरूर याद रखे। इसका भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30 का है और ROE बहुत ही बढ़िया है, शानदार 44, और ROC बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ये दोनों कंपनी डेब्ट फ्री है। अब देखिए 133 करोड़ का डेब्ट है, 0.04 करोड़ है डेब्ट टू इक्विटी, इसके पास 3000 करोड़ का रिजर्व है, तो ये बहुत ही बढ़िया कहा जाएगा। याद रखिए, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप खरीदने से पहले या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल जो एडवाइजर है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, आप उसकी राय जरूर ले, और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। चले प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं। अगर स्क्रीनर वेबसाइट की तरफ से देखा जाए तो कॉन्स कुछ भी नहीं है, मैंने कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो गलत है, मगर प्रोज क्या क्या है, कंपनी हैज रिड्यूस डेप्ट, यानी डेप्ट कम किया है जो मैंने आपको बता दिया, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है कंपनी, ये भी मैंने आपको बता दिया, कंपनी सिर्फ 1.16 के बुक वैल्यू पे काम कर रही है, ये भी मैंने आपको बता दिया, कंपनी हैज डिलीवरेड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 42% का CAGR, 42% का अगर 20% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न CAGR है अगर 20% का भी, तो 5 सालों में रुपया 10 गुना हो सकता है, तो ये तो 42% है। चले एडवाइस ले ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की, उसके बाद ही निवेश या सेल कुछ भी करने का ये बनाइए, मूड बनाइए। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस फ्रॉम 39.2 डेज टू 60.6 डेज, तो ये अच्छी बात है, सिर्फ 16 दिन का वर्किंग कैपिटल की इसको जरूरत है। इसके अलावा इंडस्ट्री PE को देख लीजिए, चले इंडस्ट्री पी अगर हम देखने जाएंगे तो सेंचुरी टेक्सटाइल है, ये भी पेपर बनाती है, 137 का PE है। सही है, अब अगर हम ये JK पेपर भी है, ये भी एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, वेस्ट कॉस्ट पेपर है, ये आंध्र की पेरेंट कंपनी है, आंध्र को तो हमने देख ही लिया। इसके अलावा जो कंपनी है ये आप देख सकते हैं, धीरे धीरे हम इनका भी एनालिसिस करेंगे, कई कंपनियों में डेप्थ ज्यादा है तो कई कंपनियों का अर्निंग पर शेयर बहुत ही कम है। सही है, तो इस हिसाब से हमें देखना चाहिए इन सब चीजों को। डेप्टर डेज देख लीजिए, डेप्टर डेज उसे कहेंगे कि जब ये उधार दे रही है तो वो पैसे कितने दिनों में आ जाते हैं, तो 26 दिनों में आ जाते हैं। और डेज पेएबल, सही है, तो पेएबल डेज में क्या होता है कि जब कंपनी जिससे उधार लिया है उसको कितने दिनों में ये रिटर्न करती है, तो ये 87 डेज है, यानी 87 डेज को ये पे करती है और 26 डे पर ये पेमेंट को रिसीव करती है। ये बहुत ही बढ़िया रेशियो माना जाएगा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, इस चीजों के बारे में हम बाद में कभी किसी और दिन डिस्कस करेंगे, मगर 77 डेज की इन्वेंट्री है। अगर इस हिसाब से देखने जाए तो इन्वेंट्री टर्नओवर है 6.29। अब गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा सर्च करके कि क्या है, किस तरीके से इन्वेंट्री टर्नओवर को देखा जाएगा। कॉन्टेजिन लायबिलिटी भी बहुत ही कम है। कॉन्टेजिन लायबिलिटी उसको कहेंगे कि अगर कंपनी पर कोई केसेस वेसिस वगैरह चल रहे हैं और अगर केसेस हारने की सूरत में अगर जो भी केस करने वाला है
उसको अगर पेमेंट करना होगा तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही पेमेंट है, 94.9 करोड़, 95 करोड़ के समथिंग समथिंग। तो ये आप देख लीजिएगा पीईजी रेशियो 0.10 का, ये भी बहुत अच्छी बात है। और सबसे बढ़िया बात है कि ये 52 वीक लो से सिर्फ 31.4% ही अप है, सही है। तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी आंध्र पेपर के बारे में। खुश रहे, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो जब भी मैं लाइव आऊं तब आप लिंक मैं दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके आ जाए। और अगर हो सके तो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और मैं सारी जो 5,500-6,000 कंपनियां हैं सारे के रेशियो एनालिसिस करके इस चैनल पर रखने वाला हूँ। तो कृपया जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सजेशन देते फिरते, मैं तो कोई टिप्स या एडवाइस नहीं देता हूँ, सही है, मगर आप उन ग्रुप्स में अगर मेरे इस वीडियो को शेयर कर दे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये चैनल नहीं है, हालांकि मैं पूरा ना हूँ मगर चैनल नहीं है, अगर हो सके तो थोड़ी बहुत आपके तरफ से हेल्प हो जाएगी। चले, ध्यान रखें अपना, बाय बाय।